सो दोस्तों, जब हम चावल पकाते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? पानी डालते हैं, उबालते हैं, हम चावल डालते हैं पतीले में, फिर हमें चेक करना होता है कि चावल बॉयल हो गया या नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक चावल निकालते हैं, दबाते हैं, अगर वो चावल बॉयल हो जाता है तो हम कहते हैं कि पूरी की पूरी पतीले में जो चावल है वो पक गए हैं। Now, what is the mathematics involved? तो यहाँ पे जो एक concept है वो है principle of mathematical induction. वो ये कहता है कि Pn अगर एक mathematical statement है तो उस पे n is equal to 1 true होगा, n is equal to k भी true होगा, और साथ में n is equal to k implies n is equal to k plus 1 पे भी जो Pn statement है वो true होगा। So if one grain is cooked, we conclude that the whole lot is cooked. That is how we use the principle of mathematical induction to check cooked rice.